एक और मतगणना का पांचवा राउंड चल रहा है और भाजपा को सीटों से आगे नजर आ रही और जश्न की तैयारी भाजपा कार्यकर्ताओं द्वारा शुरू कर दी गई है। वहीं दूसरी ओर कांग्रेस पार्टी के अनुसार ये बाजी पलटने वाली है और वह अपनी जीत सुनिश्चित करते नजर आ रहे हैं। इसी कड़ी में आइए आपको बताते हैं कि क्या कहना है कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता रवि सक्सेना का। क्या हालात के अनुसार आपको क्या लगता है कि जनता किसे चुनने वाली है? कांग्रेस को और किसी को चुनेगी? जी हम लोग तो सत्य के मार्ग पे चलने वाले लोग हैं। जी सत्य के मार्ग पे जो चलते हैं उन्हीं की जीत होती है। जी ये तो आपने बिल्कुल सही कहा सर, लेकिन अगर आज जनता कांग्रेस पार्टी को चुनती है तो आपका पहला कदम क्या होगा? हमारा कदम होगा जनता का विकास, जनता की भलाई, बेरोजगारी को दूर करना। जी और जो जो हमने वादे किए हैं, जो माननीय कमलनाथ जी ने वचन दिए हैं, उन वचनों को हम पूरा करेंगे। जी तो रवि जी, वैसे तो ये काल्पनिक स्थिति है, लेकिन मैं फिर भी जानना चाहूंगी कि अगर कोई विपरीत स्थिति निर्मित हो जाती है तो क्या इसके लिए भी पार्टी ने कोई प्लान बी तैयार किया है? देखिए ये तो अभी चुनाव के जब रिजल्ट आएंगे उसके बाद ये सब नीतियाँ बनती हैं। जी अभी जो है इस बारे में बात करना बहुत जल्दबाजी होगी। जी रिजल्ट आने दीजिए, अभी पहले दूसरे राउंड की गिनतियाँ हुई है ना, ये 27-28 राउंड तक जाने हैं। इस बार जो है केवल 7 टेबलें लगी हैं जनता की जगह, तो निश्चित रूप से लंबी जो है मतगणना चलने वाली है। जब इसके फाइनल रिजल्ट आ जाएंगे उसके बाद हम विचार करेंगे और जो चीजें होंगी वो आप सबके सामने होंगी। जी बिल्कुल, तो जिन भी सीटों से भी कांग्रेस पार्टी कुछ मतों से पीछे चल रही है तो आपको क्या लगता है कि बाजी अभी पलट सकती है? बिल्कुल बाजी पलटेगी ही, हम अभी आपको कह रहे हैं, लिख लीजिए। जी जी तो वही, लेकिन अगर भाजपा की हम बात करें तो उन्होंने तो जश्न की तैयारियां भी शुरू कर दी है, तो क्या इसे हम जल्दबाजी कहें या फिर आप इनकी प्रतिक्रिया पे क्या कहेंगे? नहीं, भारतीय जनता पार्टी जश्न मनाना चाहती है, मनाए, उसके घर में पटाखे रखे होंगे। पिछले 2018 के चुनाव में जब उनकी करारी हार हुई थी तब वो पटाखे उन्होंने बचा के रखे थे, तो वो अब उस समय खुश हो गए थे, तो अब वो चलाएंगे।